देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, माउंट एटना क्या है ना दोस्तों, माउंट एटना क्या, आपको यहाँ पर कमेंट करना है ना, यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, ये एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर जवाब होगा, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहा था, डेस्टिनी कहा था है ना, ये कब कहा था दोस्तों, यहाँ पर बताना आंसर क्या होगा। और ये दोस्तों कहा था अगस्त घोषणा है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन नंबर आपको यहाँ पर बताना है, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं है ना, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं, बीज रहित फल जो बनते हैं ना, किसकी किसके प्रभाव से बनते हैं, तो ये दोस्तों आपके हार्मोन्स, आंसर यहाँ पर क्या होगा, हार्मोन्स यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ, देख लीजिए, सभी कह रहा है तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था है ना, ये क्यों लिया गया था, चौरी चौरा जो घटना आपकी हुई थी 1922 को हुई थी, सभी को पता होगा है ना, इसी वजह से यहाँ पर ये वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उठो जागो का नारा जो है किसने दिया था, ये नारा दिया गया था भैया आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है ये कथन किसका है, सत्य और अहिंसा जो है मेरे ईश्वर है कथन किसका है, सिक्स नंबर का बताना है, ये आपका जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, बताइए कौन से रंग का सर्वाधिक विचलन होता है, यहाँ पर सेवन नंबर का जवाब आपका होगा वायलेट, यानी बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या होता है, विचलन होता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य की जब हम बात करेंगे सब ज्यादा आपका लाल रंग का होता है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आठ नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, नौ नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना है, यहाँ पर जवाब देना है, नौ नंबर पूछा गया है, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है, पादपों को यानी पौधों को, पादपों को कार्बन जो है किस रूप में प्राप्त होता है, ये दोस्तों आपका CO2 के रूप में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए, 10 नंबर पूछा गया, संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं है ना, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना, ये दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्रश्न आपका होगा ना, यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 11 नंबर का आपको जवाब देना है, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, 11 नंबर कह रहे हैं ए नंबर होगा। हाँ देखिए, समतल और उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण से क्या होता है, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर है ना, इससे सिर्फ आपके आभासी प्रतिबिंब सीधे बनेंगे, और जो एक होता है अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण जैसे कान के मिरर बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपके आभासी प्रतिबिंब बनेंगे और वास्तविक बनेंगे, वास्तविक आभासी है ना, वास्तविक जब होगा तो उल्टा बनता है, आभासी जब होता है तो सीधा बनता है, तो इसमें दोनों आते हैं, अवतल में दोनों प्रकार के बनते हैं है ना, एक कंडीशन अवतल में आती है जो आभासी वाला बना देता है, इस वजह से हम कह सकते हैं अवतल दर्पण में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, वो पांच कंडीशन में तो आपका वास्तविक और उल्टा ही बनेगा ठीक है ना, लेकिन एक कंडीशन आती है, इसलिए अवतल में दोनों कंडीशन को काउंट कर सकते हैं, बट उत्तल में सिर्फ आपके आभासी और सीधे ही बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे 12 नंबर पूछा गया है, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितनी प्राचीन सिद्ध होती है, 12 नंबर का आपको जवाब देना है, ये 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे कम होती है, सबसे कम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, सबसे कम किसमें होती है, देखिए लिग्नाइट कोयले में तो होती है, उसमें मात्रा जो होती है कम होती है लिग्नाइट, लेकिन यहाँ पर कठोर इस्पात पिटवा लोहा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, पिटवा लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना।
लिग्नाइट में भी होती है, लिग्नाइट ऑप्शन नहीं था तो पिट वालों का लगाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, 14 नंबर। चलिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, वायुमंडल के ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? 14 नंबर कह रहे हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है? 15 नंबर का आपको जवाब देना है और ये होता है रक्तचाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? किसकी उपस्थिति से होती है, यहां पर आपको जवाब देना है। आंसर होगा गंधक की ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 2024 के लिए किस राज्य में स्थित 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? यहाँ पर जवाब क्या होगा और आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है 18 नंबर, वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत द्वारा नामांकित भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने जिले शामिल हैं? जिलों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो शामिल है वो आपके 12 हैं, 12 याद रखिएगा। राजपूत समाज का आधार क्या था? भैया ये राजपूत समाज का आधार क्या था? वंश था भैया, वंश। ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? ये आपका होता है हार्मोन्स। आद्र पर्वती कहां पर पाए जाते हैं? आद्र पर्वती जो वन आपके पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। और यहाँ पर देखिए 22 नंबर आपको बताना है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? ये सम्मिलित थे भैया माउंटबेटन योजना में, ऑप्शन नंबर लगाइए डी नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ये जो मिलते हैं आपके कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, हिल्स मतलब पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी जवाब सही था। रेड के लिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। भारत में आपलावी वन जो होता है कहाँ पर पाए जाते हैं? 24 नंबर ये पाए जाते हैं सुंदरवन, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? 25 नंबर का जवाब आपका यहां पर क्या होगा बताइए। और यहां पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका बक्सर का युद्ध, कह रहे हैं है ना यहां पर क्या होगा, बक्सर का युद्ध है आपका, बक्सर की लड़ाई। 25 नंबर का ए नंबर होगा, 1764 प्लासी का 1757 में हुआ था। भारत में दुशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? 1919 बिल्कुल सही है। कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरू ये जो प्रसिद्ध है ना उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र की राजधानी की जब हम बात करेंगे ये मौर्य शासकों की थी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, इसका पहले नाम पाटलिपुत्र था, पटना हो गया है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ शाहजहां भैया संबंधित नहीं है, बाकी तो सब हैं, है ना। चलिए दफनाए गए थे ना ये, इनका मकबरा बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हाँ 1916 में किया गया था, मदन मोहन मालवीय। दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? सिनेमा। इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम
करता है, कौन करता है बताइए। 32 नंबर का जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है, घनत्व कम होगा तो मात्रा बढ़ेगी, ठीक है ना। कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, 35 नंबर आपको बताना है, CO2। लौह अयस्क जो है प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना, लौह अयस्क जो होते हैं प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। लौह अयस्क जो होते हैं प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ऑक्साइड। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, सबसे अधिक की बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। जब किसी झील की तले से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार जो होगा बढ़ेगा। जो बाएं हाथ से कार्य करने में माहिर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग बाएं हाथ से काम करने में माहिर होते हैं, उसके लिए एक शब्द आप क्या बोलेंगे, उसके लिए आप बोलेंगे सभ्य साची। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नहीं नहीं बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा, उसका सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द यहां पर क्या होगा, है ना, 40 नंबर का जवाब यहां पे आपका होगा व्याकरण। निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया, 41 नंबर आप कहेंगे दही। इनमें से कौन सा एक वचन है, जनता, हस्ताक्षर, बाल, होश, प्राण, बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं। मुझे आज कानपुर जाना है कौन सा कारक है, और ये आपका होगा कर्ता, मुझे। निम्न में से हेतु हेतु मद भविष्य काल का वाक्य कौन सा है, 44 का होगा पुस्तक मिले तो मैं पढ़ूं। इत्यादि का संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा गया 45 में, इत प्लस आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद इत प्लस आदि होगा। द्वंद्व समास पूछा गया है, द्वंद्व समास पूछा गया, दोनों के दोनों पद प्रधान होने चाहिए, और यहां पर कह रहे हैं लोटा डोरी। दसम शब्द यहां पर बताइए, 47 का आंसर क्या होगा, 47 का ए नंबर होगा जलद। सैरंद्री का पर्यायवाची क्या होगा, 48 नंबर बताना है, यहां पर आपका बी होगा। तद्भव शब्द बता दीजिए, 49 नंबर क्या होगा, ठाकुर। विस्मरण का विलोम क्या होता है भैया, 50 नंबर विस्मरण होता है। विमुख का विलोम क्या होगा, 51 नंबर विमुख का सम्मुख होता है। प्रश्न संख्या 52 और 53 आपके स्क्रीन पे आपके सामने, आपको बताना है ठन ठन गोपाल होना इसका क्या मतलब होता है, ठन ठन गोपाल होना इसका क्या मतलब होता है, कह रहे हैं कंगाल होना, ऊंट के मुंह में जीरा इसका मतलब होता है जरूरत से बहुत कम। वर्तनी बताइए शुद्ध कौन सी है, 54 नंबर में बताना है, आप कीर्ति बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर चयन करिए, 55 नंबर में आपका होगा बाण बड़ा उपयोगी क्या होता है, अस्त्र होता है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए 56 नंबर में, इसके केवल दो उपाय हैं। बताइए उप्रत्यय किसमें लगा हुआ है, चाकू में लगा हुआ है। विशेषण शब्द क्या होगा यहां पर, संयुक्त विशेषण है आपका। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, अभूतपूर्व। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें कौन सा छंद है, 60 नंबर, ये दोस्तों गीतिका है, गीतिका छंद है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, गीतिका छंद कह रहे हैं। चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपके 14-12 यानी टोटल 26 मात्राएं।
है ना, 26 26 मात्राएं होती है ना गीतिका के प्रत्येक चरण में 26। अवस्था उम्र क्या लिखा हुआ है, अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। 61 और 62 है तो यहाँ पर स्थिति हो जाएगा अवस्था। अनल और आग है ना, 62 नंबर में आपका होगा विष्णु। निश दिन बरसत नयन हमारे, हाँ यहाँ पर बताइए, निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे पद में कौन सा रस होगा। 63 नंबर इसमें आपका वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुचा, इसमें तावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। नीचे दिए गए वाक्य में स्थानों की पूर्ति करना है, 65 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुलसी जैसे महाकवि बिरले ही होते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या होगा, 66 नंबर विदुषी। मुनि का बहुवचन बताइए क्या होगा, मुनि का बहुवचन आपका यहाँ पर मुनि वृंद हो जाएगा। कौन सी यहाँ पर बताइए, कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की जब विभक्ति की बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को होता है, वो लगा दीजिए। संदिग्ध भूतकाल का वाक्य यहाँ पर कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल पूछा गया है, तुम वहां गए हो गए, ये संदिग्ध है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, है ना, विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, 70 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर मन स्थाप हो जाएगा। पंकज में कौन समास है, आसान प्रश्न है, पंकज में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तीसरा पद प्रधान है। तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा, 72 नंबर, 72 में तद्भव अंधेरा हो जाएगा। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, 73 नंबर, तो निवेश आपका जो है नि उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा। परतंत्र का विलोम क्या होता है, कई बार पूछा गया है, परतंत्र का स्वतंत्र होता है। निम्न में से परिमाण वाचक विशेषण वाला वाक्य कौन सा है, परिमाण वाचक विशेषण पूछा है तो लिखा है ना कुछ आम लाओ, कुछ। नीचे दिए गए शब्द के अनेकार्थी जो शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, कोटि करोड़ लिखा हुआ है तो कोटि करोड़ यानी श्रेणी यहाँ पर दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। क्लास का टाइम सभी लोग नोट कर लीजिए, 11 बजे चलती है।